हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी। कलेजी तो बहुत सारे लोगों ने दी होगी, और जिस तरह मैं आज ये रेसिपी बना रही हूँ ऐसी पहले किसी ने नहीं दी होगी। ये इतनी ज़बरदस्त कलेजी बनेगी, और ये बकरा ईद पे स्पेशल रेसिपी है आप लोगों के लिए। और इस तरह अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो बार बार आपके घर में इसी तरह बनाने की फरमाइश करेंगे। तो चलिए बगैर देर की ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने कलेजी तकरीबन आधा किलो है ये हमने ली है, और इसको हम अभी क्यूब्स की शक्ल में काटेंगे। तो काटने से पहले ये ऊपर एक झिल्ली सी होती है इस तरह, ये जो पतली सी है झिल्ली, इसको हम निकाल देंगे। ये वाली, ये जो है, इस तरह हम पूरी कलेजी पे से ये उतार देंगे। उतार के फिर हम इसको धोएंगे। ये देखें, ये जो है इस तरह, ये आपने पूरा इसको साफ कर देना। ये जो इतनी पतली सी है, लेकिन इसकी वजह से गलती भी नहीं है और इसमें मसाला भी अंदर नहीं जाता है। तो ये हम पूरी इस तरह उतार के और काट के फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी कलेजी को इस तरह की क्यूब्स की शक्ल में काट के, और ये ऊपर से जो झिल्ली होती है वो उतार के और इसको साफ करके खुश्क करके रख लिया। अब हम इसको मसाला लगाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे, और मैंने इसको सिरका डाल के और अच्छे तरीके से धोया, इसकी स्मेल भी चली गई है और सारा जो ब्लड निकल रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। तो अब ये हम आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे, ये आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे, एक अदद हम इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे, ये एक अदद नींबू। अब हम इसको पूरा मिक्स करके ताकि सारी कलेजी के ऊपर लेमन भी लग जाए, काली मिर्ची और नमक। तो अब हम इसको साइड पे रख लेंगे। ये हमारी कलेजी तैयार हो गई। ये अभी हमने कढ़ाई ऊपर रखी है, इसमें हम 1 से 2 चम्मच ऑयल के डालेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हमने ये प्याज को भी इस तरह हमने क्यूब्स में काटा है। तो ये मैंने तकरीबन 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये इसका क्रंच जो है वो बरकरार रहना चाहिए। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ये 2 शिमला मिर्ची हैं, इनको भी मैंने, ये देखें, इस तरह क्यूब्स में काटा है, ये इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बनती हैं और खाने में भी बहुत अच्छी होती हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ईद पे जब आप बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसी तरह ये मैंने 1 अदद टमाटर को भी इसी तरह की उसमें काटा हुआ, ये मैंने ले लिया। सारी चीज़ों को हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा हमने इनको फ्राई करना है। जस्ट इनका कच्चापन दूर करना है हमने। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें ये कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें कुटी भी लाल मिर्च डालेंगे। देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहा है। 2 से 3 मिनट बस हम इसको भूनेंगे ताकि मिर्ची वगैरह भी पक जाए और इनका भी कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो अभी 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ये हमने फ्राई करने के लिए डालना है ऑयल। तो ये मैंने तकरीबन 3 अदद आलू को इस तरह क्यूब्स में काट के और 50% मैंने इनको पका लिया है, नमक डाल के मैंने इसको बॉईल किया है। तो ये तकरीबन 50% पके हुए आलू हैं, अब हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल ये चिप्स की तरह हो जाएंगे, फिंगर फ्राइज की तरह। ये रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त, सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को तो ख़ास तौर पे बहुत पसंद आएगी। जो कलेजी कभी नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे बहुत शौक से।
जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम कलेजी को तैयार कर लेते हैं, तो ये देखिए कलेजी का बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, ये देखिए। तो ये हमारी कलेजी को, ये हमने लिया है आधा कप मैदा लिया है, तो इसके अंदर हम कलेजी को डाल देंगे। ये सारी कलेजी हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी, अब इसमें डाल देंगे। इसके ऊपर मैदे का हम एक कोट कर देंगे पूरा इस तरह। तो आलू देख लेते हैं, आलू कहाँ तक पहुँचे। तो ये देखें आलू भी तकरीबन फ्राई होने वाले हैं। अपनी कलेजी को निकाल लेते हैं, इसके अंदर डालेंगे कलेजी। एक्सेस जो हमारा मैदा है उसको हम छान लेंगे और ये हम इस तरह प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी कलेजी इसमें डाल लेंगे। इसका जो एक्सेस मैदा है वो सारा हम इसमें निकाल लेंगे। ये पूरी कलेजी के ऊपर एक कोड हो गया है। कितने ज़बरदस्त आलू हमारे लग रहे हैं, थोड़े से और बस। हमारे आलू जो हैं ये देखें, आलू हमारे बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। देखिए हमने आलू निकाल लिए हैं, ये भी हम साइड पे रखेंगे। अब हम इसी ऑयल में जो कलेजी को हमने ये मसाला लगा के रखा हुआ था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारी कलेजी हमने ऐड कर दी है, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो फ्लेम हमने बिल्कुल तेज़ नहीं करना है, मीडियम पे ही रखना है ताकि कलेजी अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। अगर हम आग तेज़ करेंगे तो फिर ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको स्लो आग पे हमने इसको फ्राई करना है। तो मिलते हैं फिर 5 मिनट में। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी कलेजी जो है बन गई है। तकरीबन 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से भुन जाए, फिर हम इसको निकालेंगे। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये अंदर तक तकरीबन गल चुकी है, ये देखें। ये देखें बिल्कुल भी रेड नहीं है, ये देखें वाइट हो चुकी है। फिर भी हम इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। तो लीजिए ये 5 से 6 मिनट हो गए हैं, ये देखें कितनी ज़बरदस्त कलेजी जो है वो भून के तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो मैंने ये प्लेट में किचन टॉवल रखा है, टिश्यू, इसमें निकालेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो सारा उसमें चला जाए। तो ये देखिए कलेजी हमारी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो अभी हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने जो सारी चीज़ें पहले से फ्राई करके रखी थी इसको हम प्लेट के साइडों पे लगाएंगे। इस तरह हम लगा लेंगे, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये हमारी वेजिटेबल है सारी जो हमने फ्राई की थी। अब हम इसमें जो हमने आलू फ्राई करके रखे हैं वो डालेंगे, उनको भी हम साइड पे लगा देंगे। ये देखें इस तरह हम इसमें जो हमने आलू रखे थे वो लगाएंगे और बीच में हम ये कलेजी को रख देंगे जो हमने फ्राई की थी। ये बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल में है, भी इसका बारबेक्यू जैसा है। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, बहुत अमेजिंग है, डिलीशियस है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ये आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त सी
कलेजी बनके तैयार है, बिल्कुल न्यू स्टाइल में, बहुत अमेजिंग, बहुत जबरदस्त और बहुत टेस्टी। और इसको हम इस तरह भी प्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये स्टिक हो तो हम इसको बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल में भी हम इसको कर सकते हैं। ये देखें, पहले हम शिमला मिर्ची लगाएंगे, फिर हम एक आलू हमने लगाया है, इसी तरह हम एक टमाटर लगाएंगे, फिर उसमें हम एक कलेजी के पीस को लगा देंगे, फिर हम इसमें एक अदद प्याज जो हमने डाला था वो लगाएंगे, फिर हम इसमें एक आलू लगा देंगे, उसके बाद एक शिमला मिर्च लगा के और एक हम इसमें कलेजी लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह भी हम इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लग रही है ना कितनी ज़बरदस्त। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप उनको ये दे सकते हैं, उनको भी बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी और बच्चों को तो ख़ास तौर पे बहुत पसंद आएगी। तो आप ज़रूर ट्राई करना, और अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।